हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि जो फेस पर झाइयां हो जाती हैं, जो मुहासों के दाग धब्बे रह जाते हैं, जो चेहरे का कालापन, रंग को साफ करने का और गोरा करने के लिए आसान सा तरीका बताएं, जो नेचुरल तरीके से चेहरे को गोरा और चमकदार बना दे, किसी भी तरह के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन ना हो, चेहरा जवान और टाइट बना रहे। तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पार्लर में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रोडक्ट कुछ समय के लिए तो गोरा बना देते हैं लेकिन बाद में और भी ज्यादा स्किन को डैमेज कर देते हैं, जिससे हमारी स्किन पर कालापन आ जाता है, झुर्रियां और झाइयां हो जाती हैं। इसलिए इनके इस्तेमाल से आप लोगों को बचना चाहिए, इन चीजों का कम से कम यूज करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बनाकर दिखाऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे से दाग धब्बे या किसी भी प्रकार की झाइयां हो या पिंपल्स और उनके होने वाले निशान हो, चेहरे का कालापन हो, चाहे आपकी धूप की वजह से जो टैनिंग हो जाती है, इन सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर कर सकते हैं। ये फेस पैक गर्मियों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, जो धूप की वजह से जो चेहरे पर टैनिंग हो जाती है, जो कालापन हो जाता है, ये रेमेडी उसको बड़ी आसानी से दूर करती है। फ्रेंड्स, आप इसे बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में, और इसे स्टोर भी करके रख सकते हो। ये रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है टमाटो, यानी कि टमाटर। टमाटर चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर हमें टमाटर का पेस्ट यूज करना है, तो इसको छोटे टुकड़ों में काट के किसी मिक्सी की हेल्प से इसका पल्प बना लेंगे, यानी कि इसका पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो इसे किसी कद्दूकस की हेल्प से भी इसका पल्प रेडी कर सकते हैं। टमाटर आपके चेहरे से दाग धब्बे, झाइयां, कालापन दूर करके आपके चेहरे को गोरा और चमकदार बनाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके चेहरे को नेचुरली ब्लीच करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं और आपकी स्किन को गोरा और चमकदार बनाती हैं। आप देख सकते हैं, मैंने इसका पल्प रेडी कर लिया है। अब इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर। फ्रेंड्स, इस पाउडर को आप अपने घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको संतरे के छिलकों को निकाल लेना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद में आपको उनको छाया में सुखा देना है। ये सूखने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेंगे। फिर इनको मिक्सी की हेल्प से इसका बारीक पाउडर बना लेना है। फ्रेंड्स, संतरे के छिलके चेहरे से पुराने दाग धब्बे और झाइयों को दूर करके चेहरे के रंग को साफ और खूबसूरत बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने इनका पाउडर बना लिया है। यहाँ पर सबसे इसकी खास बात यह है कि आप इसे पाउडर को किसी कंटेनर में, किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको किसी फेस पैक को रेडी करना हो, इस पाउडर को आप उसमें यूज कर सकते हैं और अपना फेस पैक बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये पाउडर आप मार्केट से बना हुआ भी परचेज कर सकते हैं, ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर घर का बना हुआ पाउडर ही यूज करूंगी, क्योंकि ये 100% प्योर होता है और नेचुरल है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको किसी बाउल में 2 चम्मच टमाटर का पल्प लेना है। अब इसके बाद में 2 चम्मच संतरे के छिलके का जो हमने पाउडर रेडी किया था, उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है दही, यानी कि कर्ड। फ्रेंड्स, दही जो है चेहरे पर जो कालापन हो जाता है, जो धूप की वजह से जो टैनिंग हो जाती है चेहरे पे, उसको दूर करके आपके चेहरे को गोरा और चमकदार बनाता है। यहाँ पर आपको 1 चम्मच दही ऐड करना है। अब इसके बाद में आपको ऐड करना है ग्लिसरीन। फ्रेंड्स, ग्लिसरीन जो है आपके चेहरे को ग्लोइंग और ब्राइट लुक देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। यहाँ पर आपको 1/2 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से आपके घर में ही मिल जाएंगी, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल है और चेहरे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। आप देख सकते हैं,
ये अब अच्छे से मिक्स हो चुकी है और एक हमारा मैजिकल फेस पैक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपने चेहरे को पानी से वॉश कर लेना है। आपके चेहरे पर किसी भी तरह का मेकअप और डस्ट नहीं रहनी चाहिए। अपने चेहरे को अच्छे से पानी से क्लीन कर लेना है, यानी कि वॉश कर लेना है। उसके बाद में आपको इसको अपने फिंगर की हेल्प से अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है। चेहरे पर जहाँ पर भी आपका कालापन है, दाग धब्बे हैं, वहाँ पर इसको अच्छे से लगा लेना है। आप चाहें तो इसे नेक पर भी लगा सकते हैं। आपको इसे 1 या 2 मिनट तक अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है, ताकि ये आपके चेहरे पर अच्छे से एब्जर्व हो जाए और आपके चेहरे पर अच्छे से वर्क कर सके। इसका एक थिक लेयर लगाना है। इसके बाद में इसको 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये सूख जाए तो इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। अपने चेहरे पर अच्छे से स्क्रब करते हुए इसे वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, इसको वीक में 2 से 3 बार यूज करिए। पहले वीक के इस्तेमाल से ही आपको अपने चेहरे पर चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके चेहरे से दाग धब्बे, झाइयां, जो टैनिंग हो गई है, जो कालापन हो गया है, वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। आपके चेहरे से सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा गोरा, बेदाग और चमकदार दिखने लगेगा। सचमुच में फ्रेंड्स, आप इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे ही घरेलू और नेचुरल रेमेडीज लाती रहूंगी, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली होंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नेचुरल और घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।